बहुत ज्यादा उतरे, मतलब आजकल तो ये सारे हर जगह फैल ही जा रहे हैं, और साथ ही से जो कोई भी सुन रहा है उसके दिमाग का भरोसा 101% हुआ ही है। और इस गाने को सुन के हर कोई गाने को यही बोल रहा है कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रील तो चुका थी, मतलब तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा लाइन लगने नहीं दे रही है, तो जैसे अभी मारा है वैसे इसे बोल के भगा दे और इससे बात कर ले। तेरे रील से ज्यादा तो 10/100 तेरा नाम लगा साहिल जेरी। जेरी इस देश को ये हुआ क्या, कहीं छुपे हो रही है तो कहीं निब्बी बाजी, कोई क्यों इन्हें कुछ नहीं बोलता। इनके उम्र में हम हिस्ट्री के आंसर याद करते थे और यहाँ ये इस उम्र में बकवादिया कर रहे हैं। उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हम इस लड़के को जानते हैं। ये तो शकला का बूम बूम पेंसिल वाला है। बूम बूम भैया, मेरे को ये नेचुरल कम और जानबूझ के लड़ रहे हो ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ी नेचुरल एक्टिंग तो कर लेते। छोड़ो, आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। छोड़ो यही होता है जब चुप्पी के हाथ में ग्रीन स्क्रीन और सेल्लू भाई के हाथ में गाड़ी आती है, दोनों ही माँ खोद ली बड़े आराम से, और ट्रेन आते आते तेरे नाग रूप धारण करने के लिए रुक भी जाती है। ट्रेन रुकती भी है तो ऐसी कौन सी ट्रेन है जो रुकने पे चलने की आवाज करती है। तेरे आने से पहले ट्रेन रुक जाती है तो तू नाग फुकट में क्यों बन रहा है। तो आप प्लीज ऐसा मत करिए, कहीं और जाके अपनी मराइए। एक फिल्टर चेंज किया कि 850 के लाइक्स। यहाँ नाथू लिंक चेंज करने को तैयार है पर फिर भी सैलरी का आता पता नहीं है। साले कुत्तों की जिंदगी। पहली बात तो ये कि इस हिरोशि नोहारा के पीछे दो दो लड़कियां कैसे, असंभव। यहाँ एक से बात करने जाओ तो बोलती है कि एक्सक्यूज मी सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और यहाँ इन शिनशानों के दो दो सेटिंग है। ओ भाई, बंबई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनियासुर। तू और बंबई शहर का बाप, आर यू कॉमेडी मी? तेरे जैसे अनाड़ वाले छपरी बच्चे बंबई शहर हर घंटे पैदा करता है, समझा? अगर तू बंबई शहर का बाप है तो सारे टिकटॉक के मर्द और धोनी से अच्छा विकेट कीपर सरफराज अहमद है। तो बेटा जितने के बाल फूटे उतने की बात करो और औकात में रहो, नहीं तो मार ली जाएगी और आवाज भी नहीं आएगी। अजीब क्या, मतलब अब कोई आके बैठ भी नहीं सकता क्या? उल्टा उस लड़के को तेरे छपरी को पेलना चाहिए कि पब्लिक प्लेस को गंदा कर रहा है ऐसे बैठ के, समझी क्या? तेरे को इतना ही डिस्टर्ब होता है लोगों के बीच में आने से तो अपने घर पे चले जाओ या फिर आपके फेवरेट प्लेस शौचालय में चले जाओ, पर पब्लिक प्लेस में आके अपनी माँ मत, हम कहते हैं अपनी माँ मत। टिकटॉक ये किसी ना किसी का मुँह में लेते हैं, टिकटॉक ये किसी ना किसी का मुंह में लेते हैं, एक ही गाने के पीछे पड़ के ये सारे उसकी मात देते हैं। ये आती है गिराती है और इन्हें इतने पास का नहीं दिखता बंदा क्या, फिर ये इसे रोकती है और उसका फोन लेके पैसे ट्रांसफर मतलब नंबर शेयर कर लेती है, और फिर ये इसको हाथ दिखाता और ये भाग जाती है। हाथ क्या दिखा रहा है, मुंह से बोल या फिर गूंगा है तो जूता निकालो और इसे फेंक के मार। हम भी निकले थे मोहब्बत के सफर में, खर्चा बहुत था, वापस आ गए। ओ भले चाचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। यहाँ चचा लड़की घुमा रहे तो वही बाकी के निब्बे लड़की फंसा रहे, वो भी दो दो, तो कोई दो दो के साथ शादी करके बैठा है। यहाँ हम दूसरों को देख देख के हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे, तुम्हें और मेरी सिंगल पगली, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस इलेक्शन में हम मोदी जी से यही डिमांड रखेंगे कि नौकरी दो या चौकरी दो, नौकरी दो या चौकरी दो। अब तो बारिश भी आ गई है, तुम कब आओगे? जब तू कराना छोड़ेगा तब। हाँ तो हम इन महारथियों के साथ केबीसी खेलेंगे और इन्हें बूस्ट लगा के पेलेंगे। बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। क्या आप बनोगी चूतिया?
नाथू का शैम्पू जमीन पे रहने से तू क्या हो गई? इसके लिए कस्टमर ही सब कुछ है मेरे लिए। तुझे फॉरेनर्स पहनने क्यों नहीं आते? क्योंकि अंग्रेजी आती है कम। तू फीसुबाई और प्याज दीदी के चूतड़ पे क्या करके चली? बिजली गिरा के, बिजली गिरा के। तेरी नकली पोंपों क्या हुई? बड़ी खूबसूरत हुई। हमारे साथ फ्री में सबको देने का सोचा है क्या? नहीं भाई। टिकटोकियों को 1000 का नोट दिखाओ तो नंगे होके क्या करते हैं? लॉकडाउन में तुझे कस्टमर कैसे मिले? नाथू तुझे किन नामों से पिलने आता है? हाका बुका डुका। सारा भाई चुकंदर के चूतड़ पे नाथू कब और क्या लगावे? रोज लगावे मेले। तेरे में मिर्ची डाल दो तो तेरे आँखों में क्या आते हैं? आँखों में आंसू आते हैं। बड़े हथियार देखते ही तेरे मुंह से क्या निकले? मुंह से निकले चीख। तेरा धंधा प्याज चौपट करने का सोचे तो तू उसे क्या बोलती है? ऐसा मम्मी द्वार में बिड़ा जाकर सिद्ध राम ज्यादा। तुझे पेल के कोई 20 रुपए दे दे तो तू उसे क्या बोलता है? क्या बस 20 रुपए? हर बार तो आप 100 रुपए दे देते। तुम बकर लंडो ने एकदम बोचो जैसे जवाब दिया है तो इसी बात पे मैं तुम्हें दूंगा।